जनपद चमोली में गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को थराली ब्लॉक सभागार में जिला विकास निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में थराली से भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा, जिला अधिकारी संदीप तिवारी समेत विभागवार जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद अनिल बलूनी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान सांसद बलूनी ने कहा कि जल जीवन मिशन पीएम मोदी का विजन प्रोजेक्ट है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके तहत ही उन्होंने कृषि विभाग को चमोली जनपद को ऑर्गेनिक जिला बनाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में गढ़वाल सांसद ने जनपद में तैनात तीनों डीएफओ में से एक भी डीएफओ के बैठक में न पहुंचने पर नाराजगी जताई और जिलाधिकारी को संबंधित विभाग के डीएफओ से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। दिशा की बैठक हर 3 महीने में प्रत्येक जिले में लेनी होती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 पूर्ण जिले हैं और 2 जिले की 2 टिहरी जिले की 2 विधानसभा और 1 नैनीताल जिले की, तो मुझे 3 जिले की दिशा की बैठकों में अध्यक्षता करनी होती है। तीनों क्योंकि मैं पौड़ी की कर चुका हूँ, रुद्रप्रयाग भी हो चुकी है, चमोली जिले की आज बैठक हो गई है और सभी विभागों उसमें जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएँ हैं उनके साथ साथ जो राज्य के द्वारा भी संचालित है उनको भी चर्चा हुई है, कुछ कामों की समीक्षा हुई है। जहाँ ऐसा लगता है कि काम थोड़ा धीमा है उनको तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, जहाँ लोगों की समस्याओं के समाधान को जल्दी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं और अगली बैठक जल्दी करने की बात हुई है और जो आज निर्देश दिए गए हैं उनकी समीक्षा अगली बैठक में की जाएगी।